Good morning, students. Today we will discuss your poem from Bihai book. Your poem is The Duck and the Kangaroo. इसको pronunciation में kangaroo, it's a kangaroo, it's not a kangaroo, but kangaroo भी बोल सकते हैं हम, kangaroo भी बोल सकते हैं. इस poem के बारे में हम discuss करने के पहले इसको, इसका जो first sentence है, इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है. The duck and the kangaroo. Mostly ये जो poem है, इस poem में दोनों की बातें आपस में एक interaction, आपस में एक conversation बताई हुई है. और conversation कौन-कौन कर रहा है? Duck कर रही है और kangaroo कर रहा है इस poem में. तो जो duck है वो इसको kangaroo को request कर रही है कि मुझे जो है वो क्या करना है, कहीं घूमने जाना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा घुमाने के लिए मुझे कहीं बाहर लेके चलो. तो ये सब बातें उसमें बताई हुई हैं. तो लेट्स सी, देखते हैं कि पोएम में क्या लिखा हुआ है. आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है सेड द डक टू द कंगारू. जो डक है किसको बोल रही है? कंगारू को बोल रही है. गुड ग्रेशियस हाउ यू वॉक. यहाँ पर गुड ग्रेशियस क्या लिखा हुआ है कि गुड ग्रेशियस इट मीन समथिंग टू बी स्ट्रेंज. ठीक है, ओ माय गॉड फॉर एग्जांपल, समथिंग टू बी ग्रेट, ये गुड ग्रेशियस वर्ड यूज किया हुआ है. हाउ यू वॉक, तो डक उसको बोल रही है कि मुझे जो है बड़ा सरप्राइज होता है कि तुम जो है वो उछल कूद कर, हॉप इट मीन्स कि उछलना कूदना, कि तुम जो है एकदम से उछल कर कूद कर एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे चले जाते हो. ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, खेतों में, फील्ड वाटर टू पानी में, कहीं पर भी तुम बड़े आराम से चले जाते हो घूमने के लिए. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जिस तरह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता. माई लाइफ इज बोर्न इन दिस नेस्टी पाउंड, तो वो जो डक बोल रही है कि मेरी जो लाइफ है वो इस पाउंड में रह, पाउंड क्या होता है, तालाब होता है, कि तालाब में रहते हुए बहुत सारी मेरी जो लाइफ है एकदम बोरिंग हो गई, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है. नेस्टी, यहाँ पर एक वर्ड है नेस्टी. नेस्टी का मीनिंग क्या होता है? नेस्टी का मीनिंग होता है डिसलाइक और समथिंग समथिंग बैड. तो वो बोल रही है कि यहाँ पर इसमें रहते रहते मेरी जो लाइफ है बिल्कुल डल हो गई, एकदम बोर हो गई है. तो नेक्स्ट लाइन देखिए, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. तो वो उसको बोल रही है कि मैं जो है वो अभी ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे भी क्या है पूरा जो है पूरी दुनिया घूमनी है. मेरी भी एक क्या है, मेरी भी एक डिजायर है कि मुझे जो है वो पूरी दुनिया घूमनी है. आई विश आई कुड होप लाइक यू, तो वो बोल रही है कि मैं भी शायद तुम्हारे जैसे अगर ऐसे होप कर सकती, उछल कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती तो कितना अच्छा होता. Said the duck to the kangaroo. तो जो duck है ये first sentence में क्या कर रही है, एक request कर रही है kangaroo को कि मुझे जो है वो बाहर घूमना है, मेरी life बहुत ही nasty है, बहुत ही उसको मैं dislike कर रही हूँ और मुझे दिल कर रहा है कहीं बाहर घूमने जाने के लिए. तो ये आपका first sentence में बताया गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं second sentence की तरफ. तो जो second sentence है, second sentence में क्या बताया हुआ है? Please give me a ride on your back. तो ये बात कौन बोल रही है? ये duck बोल रही है कि please give me a ride on your back, कि तुम क्या करो कि मुझे जो है अपनी पीठ पर बिठाकर ride के लिए घुमाने के लिए लेके जाओ. Said the duck to the kangaroo. वो कौन बोल रही है? जो duck है वो किसको बोल रही है? Kangaroo को बोल रही है कि मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ. तो next देखिए, I would sit quite still and say nothing but quack. तो जो डक है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं जो क्या करूंगी, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर एकदम से शांति से बैठूंगी, मैं किसी तरह से कोई छेड़खानी नहीं करूंगी, बिल्कुल स्टिल बैठूंगी, स्टिल क्वाइट चुपचाप बैठूंगी. एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं कुछ नहीं बोलूंगी पर जो मेरी नेचुरल वॉइस है. क्वैक, यहाँ पे क्वैक क्या है? साउंड, साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डक. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरा दिन जो मैं बिल्कुल शांति से तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठूंगी आराम से, और मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगी, और सिर्फ जो है अपना मेरा नेचुरल जो साउंड है वही मैं निकालूंगी पूरा दिन. द होल डे लॉन्ग एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बोली. यहाँ पर डी एंड जेली बोली क्या है? ये प्लेस के नाम है. ये प्लेस के नाम जो राइटर है उन्होंने पॉइंट है, सॉरी पॉइंट ने क्या किया है कि ये जो नाम है दोनों ये उन्होंने अपने इमेजिनेशन से इस पॉइंट में डाले हुए हैं. तो वो जो डक बोल रही है कि हम ये जो है डी और जेली बोली जो दो प्लेसेस है पर वहां पर हम घूमने के लिए जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. ओवर द लैंड की हर जगह पर, एंड ओवर द सी और समुद्र में भी, क्योंकि पानी में भी वो घूम सकते हैं. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि
लैंड के ऊपर भी घूमेंगे और सी में भी जो छोटी छोटी नदी तालाब है वहां पर भी वो जो कंगरू है वो जंप कर सकता है, होप कर सकता है, और जमीन के ऊपर भी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। नेक्स्ट क्या है, प्लीज टेक मी अ राइड और डू सेड द कंगरू, सेड द राइड टू द कंगरू। तो वो उसको बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ के ऊपर जो है राइड लेने दोगे या नहीं। कौन बोल रही है, डक बोल रही है कंगरू को। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके थर्ड सेंटेंस की तरफ। सेंड द कंगरू टू द डक, जो कंगरू है वो कंगरू भी डक को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिस रिक्वायर्स लिटिल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या आएगा, रिफ्लेक्शन इट मीन्स थॉट्स, कि उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाते हैं, कंगरू के दिमाग में कुछ आइडिया आ जाते हैं, वो कहाँ क्या आइडिया आते हैं। फ्रैक्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, वो बोल रहा है कि शायद मैं तुम्हें जो है अपनी पीठ पर लेके जा सकता हूँ और ये तुम्हारा लक भी हो सकता है। बट एंड देयर सीम्स बट नो ऑब्जेक्शन, और मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे अच्छी तरह से बोलने दोगी कि मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, मेरे मन में क्या दिमाग में चल रहा है, अगर वो तुम मुझे बोलने दोगी तो फिर मैं अलाउ करूंगा तुम्हें मेरे ऊपर राइड करने के लिए, घूमने के लिए। तो क्या है, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे जो पैर होते हैं वो तो पानी में रहती हो और तुम्हारे जो पैर हैं वो हमेशा पानी में भीगे रहते हैं और ठंडे रहते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमाटिज, और यहाँ पर ये रूमाटिज वर्ड क्या है, रूमाटिज्म, रूमाटिज जो वर्ड है ये रूमेटिज्म को कहा जाता है, ये एक डिजीज होती है, जॉइंट पेन से रिलेटेड एक डिजीज होती है। तो वो कैंगरू को डर होता है कि तुम्हारे जो पैर होते हैं ठंडे होते हैं और गीले होते हैं, अगर तुम मेरी पीठ के ऊपर ऐसे बैठोगी तो वो मुझे जो बीमारी है रूमाटिज जो मुझे बीमारी हो सकती है, ये सब बातें फिर कैंगरू जो है वो डक को बताता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको क्या बताया हुआ है, देखिए सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक, तो जो डक है, डक कंगारू को बोलती है कि जैसे मैं पत्थरों के ऊपर एकदम से स्टडी और स्टिल होकर बैठती हूँ उसी तरह से आई हैव थॉट और दैट कम्प्लीटली, उसी तरह से मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आ था कि मुझे जो है उसके साथ राइड करते समय कैसे उसके साथ जाना है, कैसे बैठना है। एंड आई बॉट फोर पेयर ऑफ वॉटसर शॉक, यहाँ पर वॉटसर क्या होते हैं, जैसे किसी के पंजे अलग अलग तरह के होते हैं, हर एक जानवर के पंजे अलग अलग तरह के होते हैं, उसी तरह से वॉटसर शॉक, ये जो शॉक्स हैं वो स्पेशली डक के जैसे पैरों के पंजे होते हैं, शेप उनकी वैसी होती है, उस तरह से वो जो क्या लेके आती है, जुराबे लेके आती है, वॉटसर शॉक लेके आती है, चार जो पेड़ होते हैं, चार पेड़ जो हुआ उसकी लेके आती है। Which fit my web feet nearly, जो है उसके जो वेब के तरह की, उसका आप देखा होगा कि जो बत्तख होती है या पानी में रहने वाले पंछी होते हैं उनके पैर कैसे होते हैं, वेब टाइप होते हैं, जाली की तरह होते हैं तैरने के लिए, और वो कैसे होते हैं, वॉस्टर्ड होते हैं। And to keep out the cold, I have bought a clock. और ठंड से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए मैं एक क्लॉक लेके आई हूँ। क्लॉक क्या होती है, एक गाउन टाइप एक ड्रेस होती है जैसे बॉडी को कवर करने के लिए, उसको हम क्लॉक बोलते हैं। क्लॉक यहाँ पे क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ। तो अभी क्या क्या लेके आई है, वो शॉक्स लेके आई है और क्लॉक लेके आई है उसके साथ घूमने के लिए, और उसको सर्दी ना लगे, उसको भी, डक को भी सर्दी ना लगे और कैंगरू को भी सर्दी ना लगे। एंड एवरी डे आई सिगार आई विल स्मोक, तो वो बोल रही है कि मैं हर दिन जो है एक सिगार लिया करूंगी जिससे भी जो है मैं अपने आप को गर्म रख सकूं। ये सब इमेजिनेशन है पोएट की, ये सब जैसे डक कहाँ से सिगार पीती है या जुराबे पहनती है, गाउन पहनती है, ये सब पोएट की जो है वो इमेजिनेशन है इस पॉइंट में बताई हुई। आल टू फॉलो माई ऑन डेयर ट्रू लव ऑफ कैंडल, और उसको बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए ये सब चीजें जो है वो अपने साथ लेके आती है, फॉलो करती है इन सब चीजों को। जो पांचवा आपका सेंटेंस है, पांचवें सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सेड द कैंगरू आई एम रेडी, तो जो उसकी रिक्वेस्ट होती है, डक की रिक्वेस्ट सुनने के बाद जो कैंगरू होता है वो मान जाता है, वो रेडी हो जाता है, ठीक है, बोलता है ठीक है हम चलेंगे। ऑल इन द मूनलाइट पेल, तो हम कब चलेंगे, जो मूनलाइट, बिल्कुल मूनलाइट क्या होती है, बिल्कुल पेल इट मींस कि वीक, थोड़ी सी मून जो होता है उसकी जो लाइट बिल्कुल कमजोर होती है, हल्की हल्की जो लाइट होती है, तब हम चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, तो वो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगी पर तुम अपना जो है बैलेंस बनाकर मेरे ऊपर बैठना, क्यों, क्योंकि वो हॉप करेगा तो तुम गिर ना जाओ डेड डक। तो उसको बोलता है सेट स्टडी, बिल्कुल आराम से उसके ऊपर पकड़ बनाकर बैठना है। आई एम क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी जो टेल है, मेरी टेल का जो लास्ट वाला हिस्सा है उसके ऊपर ही बैठना है,
ताकि जो है वो मैं भी सेफ रहूं। सो अब दे वेंट विद द होप एंड अ बॉम्ब। तो वो क्या बोलते हैं कि वो होप करते हुए क्या करेंगे, होप करते हुए दूर तक जो है वो घूमने के लिए चले जाते हैं। एंड दे होप द होल वर्ल्ड थ्री टाइम अराउंड। तो उसकी इमेजिनेशन है पॉइंट की कि वो होप करते हुए घूमते हुए वो जो तीन चक्कर हैं वो पूरे राउंड जो पृथ्वी के वो अपने वर्ल्ड के पूरे वो लगाना चाहते हैं, वो तीन चक्कर लगाते हैं उसकी पूंछ के ऊपर बैठकर। किसकी पूंछ के ऊपर? कैंगारू की जो पूंछ है उसके ऊपर बैठकर डक जो है वो तीन चक्कर लगाती है पूरे वर्ल्ड के वो घूमते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओ हु। तो इस सबसे कौन खुश होगा? Yes, definitely, as the duck and the kangaroo. और जो duck है और जो kangaroo है, इस राइड से वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अपनी राइड को वो enjoy करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी इस poem में सारी की सारी बताई हुई हैं। और इस poem में जितने भी literary devices हैं या वर्ड मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है या और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम जो अपना जो डिटेल है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। तो आई होप आपको इस पूरी पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पॉइंट ने इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या थीम दिया हुआ है, क्या मैसेज दिया हुआ है, वो आप लोगों ने गेटिंग कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।